टू हंड्रेड एकेडमी ग्रेजुएट ने अपना डेब्यू किया वर्सेस वर्सेजन एथलेटिक इन द एफए ए कप और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इट इतनी बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने प्लेयर्स यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं उसमें से आधे प्लेयर्स एकेडमी के थ्रू आए हैं तो इससे पता चलता है यूनाइटेड की जो अकेडमी है उसको कितना रिगार्ड किया जाता है यूरोप में व्हेन इट कम्स टू नर्चरिंग फुटबॉलिंग टैलेंट और यूनाइटेड की जो एकेडमी है इट इज वन ऑफ द बेस्ट यार स्पेशली आफ्टर क्लास ऑफ 92 हमने देखा कि बर्ट गैरी गिक्सी डेविड बैकम ये सारे एकेडमी प्रोडक्ट थे यूनाइटेड के लोकल लैड से जिन्होंने टीम में आकर फिर सक्सेस का तो आपको पता ही है क्या हुआ तो एक बहुत हाई रेपुटेशन है यूनाइटेड की अकेडमी की लेकिन कुछ सालों में हमने देखने को ये

यंग टैलेंट जिस तरीके से हम गणनाचों को लेकर आए और भी काफी प्लेयर्स हैं हनीबल मेबरी आई थिंक वी बॉट हिम फ्रॉम फ्रांस और सम लेकिन आप यंग प्लेयर्स को आपका खरीदना भी बनता था ताकि आप उनको नर्चर करो और फिर आप उनको इंटीग्रेट करो फर्स्ट टीम फिर हुआ ये यूनाइटेड ब्रॉड निक कॉक्स इन द मिक्स जो कि वॉटफर्ड के लिए पहले काफी टेक्निकल रोल्स पे काम कर चुके थे और उनको हेड ऑफ एन एकेडमी बनाया गया 2019 में

उस एकेडमी से आ रहा है गर्नाचो हो गया कोबी मेन हो गया दे वर रियली रियली गुड अगेंस्ट विगन वो ही दो बंदे टॉप परफॉर्मर थे जिसमें उमारी फोर्सन ने डेब्यू किया था उस गेम की मैं बात कर रहा हूँ 18 साल का कोबी मेनू और 19 साल का गरनाचो एक कम्पोजर शो कर रहे हैं काफी मेच्योरिटी शो कर रहे हैं अपनी एज के लिहाज से एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एन अकेडमी और सिर्फ यही नहीं है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, प्लेयर्स पाइपलाइन में है यूनाइटेड के लिए जिनमें से एक नाम डैनगोर का भी डैनगोर आई थिंक ही he left for loan move and i really like how garnacho got into this team kafi देखो क्वेश्चन मार्क्स भी हुए इस उस पर उसको बुरा वक्त भी सहना पड़ा एंड नाउ ही इज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द टीम जो कि वीक इन वीक आउट आपको पता है स्टार्टिंग इलेवन में खेलेगा और भी डालेगा ये नहीं बस अपनी जगह बना ली स्टार्टिंग इलेवन में और उसके बाद कुछ नहीं करना जैसे कुछ हैं लोग आई टू नेम तो इस मिक्स में अगर हम टेन को डालें यार एक बात तो माननी पड़ेगी वेन इट कम्स टू नर्चरिंग एंड यंग टैलेंट बंदे के पास आंखें हैं देखने के लिए कि यार ये बंदा ये लौंडा अच्छा लग रहा है फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए तो टेन हाक हैज अ वेरी गुड आए वेन इट कम्स टू स्पोर्टिंग यंग टैलेंट ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि बड़े नामों के साथ उसका इतना रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहा और उसको इतना उनको संभालना नहीं आता कि बड़े नामों बड़े ईगो वाले जो प्लेयर होते हैं उनको किस तरीके से संभालना है रोनाडो वाली स्टोरी सेंचू वाली स्टोरी हमने देख ली थी तो जब से टेनहाग आया है को भी मेनू ने अपना डेब्यू किया गर्नाचो ब्रोक इन टू दिस टीम कम वाला को वर्सेज वेस्ट हम खिलाया बहुत ही एक अच्छा मूव था कि हम हमारे पास कमी हो रही थी डिफेंसिव लाइन पे प्लेयर्स की फर्स्ट टीम वी वर नॉट हेजिटेंट टू टेक यंग किड्स एंड पुट देम इन द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट कि उनको एक चैलेंज दिया जाए और इसी तरीके से यू नो यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस अप लेकिन इस तरह यंग टैलेंट को लाना इतना आसान नहीं होता क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है क्योंकि आपको काफी प्लेयर्स बेचने ही पड़ते हैं हमने देखा कि जेडाने इकबाल को बेचा तो वहां पे क्रिटिसिज्म आया था सैविच को बेचा वहां पे क्रिटिसिज्म आया था कि इतनी जल्दी इनको क्यों बेच दिया क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो कोच है कोच को पता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि यूनाइटेड की फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलने के लिए रेडी है और अभी तक जो वो प्लेयर लाया है From the academy, मैं तो हंड्रेड परसेंट उसके डिसीजन के साथ खड़ा हुआ Although I I do not agree with him on the his transfer strategies जो के you know Antony वाली बात हो गई लेकिन footballing talent जो academy से आ रहा है all thanks to Nick Cox भाई क्योंकि he is doing a brilliant brilliant work अगर आपने देखनी उसकी podcast देखना Ben Foster के साथ उसने किया then you can have a look के अंदर basically चल क्या रहा है that is a brilliant podcast and what a character that guy तो अगर youth team की बात की जाए under 18s United के they are फ्लाइंग भाई इनकी लीग में 12 गेम्स खेल चुके हैं एंड दे वॉन्ट 12 गेम्स आउट ऑफ ट्वेल्व हाउ क्रेजी इज दैट उस टीम में बड़े बड़े जाने माने नाम है कमवाला भी उसी टीम से आया था और शेई लेसी सिक्सटीन ईयर ओल्ड बहुत ही प्रोमिसिंग यंग टैलेंट जो यूनाइटेड के हाथों में है तो एक दो सालों में देखना ही माइड बी मेकिंग हिज डेब्यू फॉर यूनाइटेड क्या पता उससे पहले ही हो जाए बट ही इज ऑन फायर फिर डेर फ्लैचर के ट्वेंस है टाइलर एंड जैक फ्लेचर वो भी मिटफील्ड में खेलते हैं काफी बेहतरीन खेल रहे हैं और उनका भी चांस लग रहा है किस और अगर अंडर फिफ्टीन की बात करो तो यार एक नाम बहुत प्रोमिनेंट दिखता है आमिर

क्लब की सक्सेशन के लिए स्पेशली यूनाइटेड की जहां पे 50% परसेंट प्लेयर्स अकेडमी के थ्रू आए तो हमें वो अकेडमी जो हमारा फैक्ट्री है जहां पे प्लेयर्स मैन्युफैक्चर जहां पे उनकी मेंटेलिटी डेवलप हो रही है वो अच्छी होनी चाहिए एंड विद कॉक्स दिस अकेडमी डेफिनेटली इन द राइट हैंड्स